नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभिनेता सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नीलामी को रोक दिया है। बैंक ने कहा है कि वह बंगले की नीलामी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता चला है कि देओल ने अपना कर्ज चुका दिया है। देओल ने बैंक से 56 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। उन्होंने इस कर्ज का इस्तेमाल अपनी फिल्म घायल वंस अगेन को बनाने के लिए किया था। फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही थी। देओल ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का इस्तेमाल किया और उन्होंने बैंक को एक चेक भी भेजा था। बैंक ने कहा है कि वह देओल की ईमानदारी को सराहना करता है। बैंक ने कहा है कि वह भविष्य में देओल को कोई भी कर्ज देने में खुशी महसूस करेंगे। देओल के कर्ज की खबर से कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने कहा था कि देओल एक सांसद है और उन्हें इस तरह का कर्ज नहीं लेना चाहिए था। कांग्रेस ने कहा था कि देओल को कर्ज चुकाने के लिए अपनी संपत्ति बेचनी चाहिए थी, लेकिन अब जब देओल ने अपना कर्ज चुका दिया है तो कांग्रेस ने चुपी साध ली है। कांग्रेस ने देओल को कोई बधाई भी नहीं दी है।